नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल की एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे 48x25 स्क्वायर फुट का घर बनाने में कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे कहां पे कितना रुपया खर्चा आया, सारा डिटेल में बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। हमारे YouTube चैनल पर घर के रिलेटेड जो भी छोटा से बड़ा जो भी जानकारी है, और हर दिन एक नया नया टॉपिक में वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, तभी जाके आप लोगों को नया नया टॉपिक में वीडियो देखने मिलेगा। दोस्तों, ये घर का डरिंग है 48x25 का। इसमें दो बेडरूम है 13x20 का, एक ड्राइंग रूम है 13x25 का, एक कॉरिडोर रखा गया है वो बाहर जाने के लिए, बाकी सीढ़ी का एरिया है, और उसमें आपका फ्रंट एक बरिंदा ओपन बरिंदा रखा गया है, आप वीडियो पर देख सकते हैं। अब बात करेंगे आप लोगों से जिस घर को बनाने में कहां पे कितना खर्चा आया है। रॉड, सीमेंट, गिट्टी, बालू, ईटा, लेबर कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा टोटल इसमें, और कितना खर्चा में कहाँ तक बनेगा। अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम रॉट कितना लगा है वो देखेंगे। दोस्तों, 3550 के जी रॉट लगा है। यहाँ हमारे यहाँ पे 68 करके है, 241,400 रुपये का रॉट लगा है। इसमें हमने पिलर में 416 212 mm और छत में 10 mm और 8 mm का यूज़ किया था। भीम में 516 mm 212 mm का यूज़ किया था। सीढ़ी में 10 mm और 12 mm का यूज़ किया था। सारा घर में 3550 के जी रॉड लगा है। इसका 241,400 स्टील का खर्चा आया था। अब बात करते हैं पूरा घर बनाने में सीमेंट कितना लगा है। दोस्तों, 395 बैग सीमेंट लगा है। हमारे यहाँ पे 480 करके अल्ट्राटेक, अंबुजा और लाफास डूरियागढ़ का है। 480 करके आपको 189,600 का हो गया। इसमें आपका छत, सीढ़ी, प्लेन बीम, ग्राउंड बीम सब इसी में था। इसमें आपका 189,600 का खर्चा आया था। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें ईटा कितना लगा है। सारा दीवार जो था 4 इंची का था, अंदर बाहर सारा। इसमें 9,000 ईटा लगा है। 10 रुपया करके 90,000 का ईटा लगा है। दोस्तों, सारा दीवार जो है अंदर बाहर सारा 4 इंची का था, इसमें 9,000 ईटा लगा है। 10 बार के था, 90,000 का ईटा का खर्चा आया है। दोस्तों, आप बात करते हैं बालू, पूरा घर को दीवार जोड़ने में, प्लास्टर करने में आपको 1200 सेफ्टी बालू लगा है, लेकिन यहाँ पे 1800 सेफ्टी हम लोग पिलिंग फिलिंग कर दिया था। इसमें आपको 3,000 सेफ्टी बालू लगा है। 10 बार के आपको 30,000 का बालू का खर्चा आया है। आप बात करते हैं सारा घर में, घर को बनाने में गिट्टी कितना लगा है। गिट्टी आपको 1200 सेफ्टी गिट्टी लगा है। 1200 सेफ्टी हमारे यहाँ पे 60 करके है पर सेफ्टी, तो 72,000 का गिट्टी का खर्चा आया था। एंड में बताएंगे आपको टोटल आपको कितना खर्चा आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप स्किप करके देखिए मत, लगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे कितना रुपया खर्चा आ रहा है। दोस्तों, आगे में कुछ इस तरह का एक मेन गेट लगाया था जो सेफ्टी के लिए है। इस तरह का मेन गेट लगाना है, आगे में सेफ्टी होता है। इसमें आपको 18,300 रुपये इसमें खर्चा आया था। घर में 3 दरवाज़ा लगा था, इसमें लकड़ी का डोर फ्रेम लगाया था इस तरह का, और माइका पेस्टिंग करके प्लाई में दरवाज़ा लगाया था। 3 दरवाज़ा का आपका 33,600 रुपया खर्चा आया था। देखिए, इस तरह से माइका पेस्टिंग करके दरवाज़ा में लगाया था, इसमें आपका 33,600 रुपये इसमें खर्चा आ गया था। आगे में फ्रंट डोर जो डिज़ाइन के लिए था थोड़ा, इसमें 2 खिड़की था दो साइड पर, बीच में 1 दरवाज़ा था, 3 वेंटिलेटर था, कुछ इस तरह का था फ्रंट डोर। इसमें 22,800 रुपये खर्चा आया था, और इसमें शीशा और लॉक सारा इसमें ऐड करके 22,800 रुपये इसमें खर्चा आया था। अब बात करते हैं पूरा घर में एल्युमिनियम का खिड़की लगाया था, कुछ इस तरह का एल्युमिनियम खिड़की लगाया था, आप वीडियो पर देख सकते हैं। पहले में
पांच खिड़की था, पांच खिड़की में आपका 55,000 लगा है। इसमें आपको सेफ्टी के लिए ग्रिल भी लगाया गया था, देखिए कुछ इस तरह का ग्रिल लगाया गया है, आप वीडियो पर देखिए कुछ इस तरह का ग्रिल लगाया गया था और एल्युमिनियम का खिड़की लगाया था। पाँच पीस खिड़की का 55,000 रुपये खर्चा आया था खिड़की में। अब बात करते हैं पूरा घर को बनाने में लेबर चार्ज कितना लगा है। दोस्तों 48x25 का घर का 1200 स्क्वायर फुट है, इसमें 270 करके स्क्वायर फुट गया था पर स्क्वायर फुट, 3,26,000 रुपये इसमें खर्चा आया है लेबर कॉस्ट। इसमें पिलिंग फिलिंग जो है वो हमारी तरफ से किया गया था और छत की ढलाई में जो मशीन लगाया था उसका भाड़ा भी हमारी तरफ से दिया है। तो आपको 270 में आपको 3,26,000 रुपये खर्चा आया है 1200 स्क्वायर फुट घर बनाने में। अब बात करते हैं पूरा घर को बनाने में कितना खर्चा आया है और बाद में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों स्टील जो रॉड है वो उसमें लगा है 241,400 और सीमेंट में लगा है 189,600 और ईटा में लगा है 90,000, बालू में लगा है 30,000, गिट्टी में 72,000, मेन गेट में आपका 18,300, डोर में लगा है 33,600, फ्रंट डोर में आपका 22,800, विंडो में आपका जो खिड़की लगाया गया था उसमें आपका 55,000 लगा है और लेबर चार्ज आपका 3,24,000 रुपये खर्चा लेबर चार्ज लगा था। टोटल आपको 1,76,700 आपको घर पूरा घर को बनाने में इतना पैसा खर्चा आने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें क्या क्या काम बाकी रह गया। इसमें आपका टाइल्स, आपका अगर आपको टाइल्स लगाना है टाइल्स का खर्चा है और पुट्टी प्राइमर और पेंट, पेंट करवाना है तो उसमें खर्चा है। और इसमें आपका प्लम्बिंग का काम नहीं है, इसमें बाथरूम नहीं था, किचन नहीं था, इसलिए प्लम्बिंग का काम ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको अभी भी 2.5 से 3 लाख रुपए इसमें टोटल खर्चा आने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आशा करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कोई भी नया घर बनाने के लिए चाह रहा है तो इस वीडियो से थोड़ा कुछ आइडिया ले पाएंगे मार्केट में क्या रेट चल रहा है और कितना स्क्वायर फुट का घर बनाना है। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे आप लोगों से और एक नया टॉपिक में।